आगे बढ़ते हल्द्वानी से बड़ी खबर है। हल्द्वानी का एक छात्र यूक्रेन में फंसा हुआ है। गोजा जली का स्नेह प्रताप कर रहा है मेडिकल की पढ़ाई और छात्र के परिजन लगातार फोन पर बात कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हल्द्वानी का एक छात्र है यूक्रेन में फंसा हुआ है और गोजा जली का स्नेह प्रताप यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई के लिए गया हुआ था, लेकिन अचानक से जो हालात खराब हुए उसके बाद वहां पर परेशानियों से वो भी घिर गया, फंसा हुआ है और परिजन लगातार ये गुहार अब लगा रहे हैं। ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका बच्चा वापस लौट और यही हालात अलग अलग हिस्सों में लगातार बने हुए हैं। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से जो छात्र जो बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए वो वहां पर फंस गए हैं। अब उनकी वापसी किस तरीके से हो ये लगातार वो इंतजार करें कि जल्द वापस लौटे उनके बच्चे। यूक्रेन संकट पर उत्तराखंड सरकार किस तरह से एक्शन में है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। उत्तराखंड सरकार का एक्शन आप देखिए, यूक्रेन संकट पर सीएम धामी बेहद चिंतित हैं, बार बार वो कह रहे हैं ट्वीट के माध्यम से। सीएम धामी ने पीएमओ में बातचीत की है, बात की है, रक्षा मंत्रालय में भी बातचीत की है सीएम धामी ने, ऐसी जानकारी मिली है। और उत्तराखंड के लोगों की वतन वापसी पर बात हुई है और प्रमुख सचिव ने सभी डीएम एसएसपी को पत्र लिखा। यूक्रेन में फंसे लोगों की जानकारी मांगी गई है। जितने भी लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं इस वक्त में उनका पूरा डेटा मांगा गया है और टोल फ्री नंबर 112 भी जारी किया गया है। किसी को भी अगर कोई जानकारी मिलती है या फिर वहां के जो छात्र हैं वो टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।